नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चार्ट ऑफ द वीक की एक और वीडियो में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट एनालिसिस करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं उसका क्या चार्ट पैटर्न्स बन रहा है और उसमें हम लोग क्या एंट्री पॉइंट हो सकता है, टारगेट, स्टॉप लॉस और किस सिनेरियो पे इसका ब्रेकआउट हुआ है वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग हर टाइम एवरी वीक हम लोग डिफरेंस डिफरेंस टाइप के चार्ट पैटर्न्स ब्रेकआउट या ब्रेकआउट होने वाला होता है या कुछ अलग सा उसमें पैटर्न्स बन रहा है, तो वो सब चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस वीडियो में और एवरी वीक। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप लोग को जल्दी मिल सके। बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, वीडियो के बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन है या किस कोई भी स्टॉक्स के बारे में आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके आप पूछ सकते हो। मैं वहाँ पर या तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा या फिर आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो दोस्तों, मेरी एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे तो सिर्फ लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से, ऐसी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि हम लोग इसमें बाय एंड सेल करें, ट्रेड लें। अगर ट्रेड लेना ही है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा ज़रूर ले लें। तो दोस्तों, चलते हैं चार्ट के ऊपर। दोस्तों, आज का हमारा पहला स्टॉक्स है सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों, ये स्टॉक्स का अभी करंट प्राइस इसका चल रहा है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे 132 के आसपास चल रहा है। तो अभी इसको हम लोग चार्ट पे भी जाएंगे तो इस स्टॉक्स के बारे में हम पूरी डिटेल से एनालिसिस करेंगे और इसमें क्या चार्ट पैटर्न्स बनता हुआ नज़र आ रहा है और आने वाले कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स में हम लोग उसमें अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलते हैं अब चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, आ गए हम लोग चार्ट के ऊपर। यहाँ पे ये स्टॉक्स में आप लोग देख सकते हो, इसने ऑलमोस्ट 1000 के आसपास इसने हाई लगाया, कुछ इसने हाई लगाया था 2016 और 2017, दोनों बार इसने यहाँ पे एक ब्रेक करने का कोशिश किया लेकिन यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। यहीं से वापस ये स्टॉक्स नीचे आया और डायरेक्ट इसने इतना फॉल डाउन हुआ, कुछ न्यूज़ वगैरह इसमें हो सकता है। तो इसने लो लगाया लास्ट पॉइंट जो कुछ आ रहा है इसका 17-18 के आसपास इसने लो लगाया और कुछ यहाँ से कुछ टाइम से ये स्टॉक्स 2018 से एक रेंज बाउंड हो गया यहाँ पे। तो अब मैंने इस स्टॉक्स को इसलिए सेलेक्ट किया दोस्तों कि अभी ये धीरे धीरे करके एक यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मैं एक आपको बॉक्स ये पैटर्न बना रहा हूँ यहाँ पर, एक मिनट। रेक्टेंगल पैटर्न टाइप इसने बनाया है यहाँ पे और इसका ब्रेकआउट भी दिया है इसने, ये देखिए कितने दिन से बॉक्स में ही ट्रेड कर रहा है। अब इसके ऊपर इसने क्लोज दिया और इसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये
वॉल्यूम भी अच्छा है इसमें ब्रेकआउट के साथ। तो हमें दोस्तों वॉल्यूम देखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको एंट्री लेनी है तो पिछले अगर वॉल्यूम से देखे पिछले वॉल्यूम के मुकाबले तो इसमें अच्छे वॉल्यूम हुआ है और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है। तो दोस्तों ये स्टोर्स इतनी ये रखता है यहाँ पे कि इसका टारगेट नेक्स्ट टारगेट 200 तक ये स्टॉक्स जा सकते हैं 1-2-3 वीक में ये। तो हम लोग यहाँ पे 2 या 3 या 1 मंथ तक हम लोग ये टारगेट एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ तक जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है ये मैं इसको थोड़ा आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका यहाँ तक इसका एक रेजिस्टेंस है ये एरिया। तो ये एरिया यहाँ पे 200 तक इसका फर्स्ट टारगेट आ रहा है और नेक्स्ट टारगेट जो आएगा वो ये लेवल, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक प्राइस एक्शन इसने बनाया है। तो ये नेक्स्ट टारगेट इसका जो होता है होगा वो 381, ये थोड़ा दूर है, उससे पहले भी एक रेजिस्टेंस है। तो ये इतने रेजिस्टेंस जैसे जैसे ब्रेक करेगा तो अगर ये यहाँ तक ये जा सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल में इसको नियर का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो हम लोग इसको एक रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। तो ये स्टॉक्स में अच्छा ब्रेकआउट है तो हम लोग इसमें बाय कर सकते हैं कुछ नेक्स्ट मंथ के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये स्टॉक्स इतने पिछले 2018 यानी 3 ईयर से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अभी ये धीरे धीरे करके यहाँ से निकलने की, जब तक इस 200 को ब्रेक किया तो बाद में बहुत ही अच्छी फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा बॉक्स पैटर्न ये रेक्टेंगल ब्रेकआउट हुआ है तो इसके पे भी हमें नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट है ये सेनिन इंफ्रा लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक्स भी अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ है इसमें फ्रेश ब्रेकआउट, तो हम लोग इसको भी देखेंगे। अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है यहाँ पे आपको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 160 के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है। तो अभी इसको हम लोग भी चार्ट पे जाके देखेंगे कि इसमें क्या चार्ट पैटर्न्स बन रहा है। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर और वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आ गए हम लोग चार्ट के ऊपर, सॉरी एक मिनट इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों इसने भी एक अच्छा राउंडिंग बॉटम टाइप इसने एक ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि देखिए कि एक अच्छा राउंडिंग बॉटम टाइप इसने देखिए ब्रेकआउट दिया है कि इसने पिछले, इसका थोड़ा कलर चेंज करूँ, कलर थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक ये यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस बार बार ले रहा है इसी लेवल के आसपास यहाँ पे। और अभी इसने एक पिछले एक साल से एक इस रेंज में बॉन ये ऐसा राउंडिंग बॉटम टाइप इसने यहाँ पे बनाया है और इसके बाद में अभी ये इसके ऊपर ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज दिया। यहाँ पे पिछली बार 2 बार कोशिश किया इसने ब्रेक करने की लेकिन यहाँ पे कोशिश नहीं, ब्रेक नहीं हो पाया और सस्टेन नहीं हुआ। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं पिछले कुछ दिनों के वॉल्यूम, यहाँ पे पिछले वॉल्यूम के मुकाबले आप लोग देख ले यहाँ पे बाइंग ज़्यादा हो रही है, यानी इस स्टॉक्स में लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग या
इंस्टीट्यूट लोग जो भी यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तभी इसमें अच्छा इंटरेस्ट ब्रेकआउट हुआ है। तो हम लोग इसको अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो अभी इसको ये नेक्स्ट वीक में अगर 1.7 के 1 ऊपर अच्छा निकल जाता है तो ये बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिल सकती है कुछ आने वाले दिनों में। और ये रैली इसका टारगेट दोस्तों बहुत ही अच्छा टारगेट आ रहा है, यानी 700 to 125 point तक या थे इसकी रैली देखने मिल सकती। दोस्तों छोटा स्टॉक्स है लेकिन ये बड़े काम कर सकता है ये स्टॉक्स, यानी हमें बड़े टारगेट दे सकता है। स्टॉक छोटा है लेकिन इसका टारगेट बड़े देखने को हमें मिल सकता है कुछ आने वाले दिनों में। तो ये स्टॉक्स के ऊपर आप ज़रूर नज़र बनाए रखें। तो दोस्तों ये थे स्टॉक्स जो अपने चार्ट ऑफ द वीक में मुझे और बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिले, तो इसलिए मैंने ये स्टॉक्स सेलेक्ट किए। तो अपनी खुद की एनालिसिस आप भी ऐसे ही चार्ट ऑफ द वीक वीडियो देख के और भी बेहतर बना सकते हो। तो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू, और आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। मैं लाइव मार्केट में कॉल्स देता रहता हूँ, और भी कुछ चार्ट पैटर्न्स या चार्ट पैटर्न्स बन रहे वो भी यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, तो आप ज्वाइन हो सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।